आखिरी सीन तक आप देख सकते हैं कि अभी भी लोग उन्हें बैठ के देख रहे हैं और यही है शाहरुख खान का चार्म। वन ऑफ द बेस्ट मूवी ऑफ एसआरके, वन ऑफ द बेस्ट मूवी ऑफ एसआरके, द बेस्ट। कैसी लगी सर? बहुत अच्छी है, एसआरके फैन नहीं था हो गया ये मूवी देख के। अब आखिरी सीन तक कैसी लगी? बवाल बवाल, एक नंबर, मजा आ गया, पैसा वसूल, बहुत अच्छा लगा। इट वाज अमेजिंग, it was entertaining, it had a lot of action, romance, everything, it was very good. हर सीन अच्छे तरह के दिखाया और शाहरुख खान का डबल रोल बहुत है, सरप्राइज मूवी, सरप्राइज रहा। कैसी लगी मूवी? अच्छी थी। कितने स्टार देंगे आप? 3.5। कैसी लगी मूवी? बहुत मस्त। कितने स्टार देंगे? 5 out of 5। बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त मूवी है। कैसी लगी मूवी? बहुत ज्यादा अच्छी। कैसी लगी मूवी मैम? बहुत बेहतरीन। बॉलीवुड को अगर आगे बढ़ना है तो ऐसी मूवी देनी चाहिए। कंटेंट अच्छा, मूवी का एक्टिंग शाहरुख खान के दमदार है, जिसकी वजह से उसे किंग खान कहा जाता है। आज उसने अपनी परफॉर्मेंस पूरी दिखा दी है। तो इस वक्त हम जवान का सुबह का पहला शो देखने आए थे, सुबह 7 बजे का पहला शो था और इस थिएटर में सुबह 7 बजे पहली बार ऐसी हिस्ट्री में था कि ये पहली बार 7 बजे का शो था और वो भी हाउसफुल शो था। हम आपको पूरा का पूरा रिव्यू के साथ साथ ये भी दिखाएंगे कि आखिरी सीन तक कैसे सब लोग पूरी तरीके से वहाँ बैठकर शाहरुख खान के एक एक सीन को एंजॉय कर रहे हैं। हर सीन अच्छे तरह के दिखाया और शाहरुख खान का डबल रोल बहुत है, सरप्राइज मूवी, सरप्राइज रहा। कैसी लगी मूवी? अच्छी थी। कितने स्टार देंगे आप? 3.5। कैसी लगी मूवी? बहुत मस्त। कितने स्टार देंगे? 5 out of 5। कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त मूवी है। कैसी लगी मूवी? बहुत ज़्यादा अच्छी। कैसी लगी मूवी? बहुत, शाहरुख खान के हम सो बहुत फैन है, मतलब उनकी हर मूवी मुझे बहुत प्यारी लगती है। बिल्कुल, कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी, बढ़िया, ये यारा फैन। कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी लगी मूवी, 5 में से 6 स्टार देना चाहते हैं। कैसी लगी मूवी मैम? बहुत बेहतरीन। बॉलीवुड को अगर आगे बढ़ना है तो ऐसी मूवी देनी चाहिए। कंटेंट अच्छा, मूवी का एक्टिंग शाहरुख खान के दमदार है, जिसकी वजह से उसे किंग खान कहा जाता है। आज उसने अपनी परफॉर्मेंस पूरी दिखा दी। अभी भी लोग उन्हें बैठ के देख रहे हैं और यही है शाहरुख खान का चार्म कि शाहरुख खान किस तरीके से शाहरुख खान है वो लोग मूवी खत्म होने के आखिरी सीन तक यहाँ पर बैठ कर शाहरुख खान की उस किंगडम को एंजॉय करना चाहते हैं जिसके बारे में शायद ही कोई इमेजिन कर सकता है और ये शाहरुख खान के अलावा कोई और नहीं कर सकता। तो ये शाहरुख खान का वो चार्म है जिसको अब तक आखिरी सीन खत्म होने तक रोक कर रखा गया है। तो अब लोग बाहर आएंगे, जो बाहर आए हमने उनसे बात किया, अब जब सब बाहर आएंगे तो हम उनसे जानेंगे कैसी लगी सर। Very nice, it was very nice. आप आखिरी सीन तक कैसी लगी? बवाल बवाल बवाल। कैसी लगी? Fabulous, fabulous. कैसी लगी? बहुत बढ़िया, बहुत। शाहरुख कितने different दिखाई दिए? Number one. कैसी लगी मूवी आपको? 10 out of 10. 10 out of 10. कैसी लगी? अच्छा। कैसी लगी मूवी आपको? मस्त। Epic. Epic. कैसी लगी? पसंद आई मूवी? बहुत बढ़िया। शाहरुख खान को डिफरेंट देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इट वाज अमेजिंग। इट वाज एंटरटेनिंग। इट हैड अ लॉट ऑफ एक्शन, रोमांस, एवरीथिंग। इट वाज वेरी गुड। कैसी लगी सर? बहुत अच्छी। कैसी लगी आप लोग? बढ़िया। अच्छा। वन ऑफ द बेस्ट मूवी ऑफ एसआरके, द बेस्ट। कैसी लगी सर? बहुत अच्छी है, एसआरके फैन नहीं था हो गया ये मूवी देख के। काफी अच्छा था एक्शन। The movie was pretty good actually. अब मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या मूवी कैसी लगी आप लोगों को?
एक्चुअली वी डिजर्व मोर मूवीज लाइक दिस. और मेरे को लगता है कि शाहरुख खान की ये आज इस साल की सबसे बेस्ट मूवी है. जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट था उसका एक्शन था. तो इफ़ यू गाइज नो कि एक सीनियर भी है, जैसे लोगों को लग रहा है, आई डोंट गिव ब्लूपर्स एट ऑल, बट द थिंग इज कि जैसे दो शाहरुख खान के रोल्स हैं इसमें, आपको कनेक्शन बहुत अच्छा फील होगा. यू नो यू कैन कनेक्ट टू द मूवी. हाँ, कहीं पर जो गाने हैं वो मेरे को लगा कि थोड़ा और उनकी प्लेसमेंट और अच्छी हो सकती थी. गाने इट वॉज़ नाइस, बट प्लेसमेंट मेरे को थोड़ी सी सही नहीं लगी. Rest, it was really good action and mass cinema. It nailed it all. Vijay Sethupathi nailed it too. Yes. तो अब हम बात करेंगे उस मूवी के बारे में जिसके बारे में बात होगी, एतराज होगा, बायकॉट का भी ट्रेंड चलेगा, क्योंकि मूवी एक ऐसा मैसेज देती है जिसके बारे में बात होना बहुत ज़रूरी है. तो मेरे साथ मौजूद है नदीम भी. नदीम, सुबह 7 बजे इससे पहले कभी मूवी देखने आए हैं? इससे पहले तो कभी नहीं आए. और ये शायद काम शाहरुख खान ही कर सकते हैं जो सुबह 7 बजे, या मैंने देखा था कि मॉर्निंग में सुबह 5:30 बजे का शो जो है मुंबई में चला है. और 5:30 बजे का शो भी जो है वो हाउसफुल था. मतलब ये क्रेज़ है शाहरुख खान का. और ये क्रेज़ इसलिए भी दिखने को मिला कि आप ट्रेलर देख करके समझ नहीं पाएंगे कि मूवी कैसे जाने वाली है. और अंत तक आपको एक मूवी स्टार्ट होती है और मूवी के अंत तक आपको कुर्सी पर बैठे रहने के लिए मजबूर कर देती है. अंत तक सस्पेंस बना हुआ है. आप समझ नहीं, आप क्लिक करेंगे कि ये कैसे हुआ तो अगले सस्पेंस में दूसरी स्टोरी खुल जाती है. ये कनेक्शन जो है और वो बहुत लाजवाब था शाहरुख खान ने जो लगातार इस मूवी में भी मैसेज दिया. और एक जो डायलॉग बताया जा रहा था कि वो कट गया है, पर अंत में वो डायलॉग भी नजर आया. जो ब्लूपर्स देना अलाउड नहीं है लोगों को, थिएटर तक अपने तक आने दीजिए, आप ब्लूपर्स मत दीजिए. लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक मैसेज जो फिल्म के जरिए दिया गया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो मैसेज दिया गया वही जो आपने बोला, ब्लूबर्स मत दीजिए, दर्शकों को यहाँ आने दीजिए. जो खींच करके अपने आप लेकर के आएगा, जो एक मैसेज है, वो मैसेज के लिए आपको 2024 का भी इंतज़ार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या मैसेज वो दिया गया है 2024 के आने वाले चुनाव के लिए. ये ब्लूबर्स के तौर पर देखा जाएगा. लेकिन उसके बावजूद जवान एटली का जो पूरा का पूरा जादू देखते हैं आप स्क्रीन पे, वो पहले सीन से लेके आखिरी सीन में जब सब बंद हो जाता है, उसके बावजूद ऑडियंस वहाँ बैठकर शाहरुख खान को इन्जॉय करते हुए नज़र आती है. तो आप भी अपने रिव्यूज़ हमारे साथ साझा करिए और बताइए कि आपको कैसी लगी जवान और वो दो बाप बेटे का कनेक्शन जिसके बारे में लेकर बायकॉट का भी ट्रेंड चला था और किसे मैसेज दिया गया था उसके बारे में भी ट्विटर पर खूब हलचल हुई थी. शुक्रिया.